हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है तीन डेफिनेशन को कवर अप करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड द बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने नेबरहुड को डिस्कशन किया था। नेबरहुड के साथ साथ हमने कुछ और भी पॉइंट्स उसमें हमने बात पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन किया था, जैसे ओपन डिस्क हो गया, क्लोज डिस्क हो गया, एनालस हो गया है। ठीक है, और उसके बाद नेबरहुड हमने बात किया था। तो नेबरहुड एक ऐसा डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप नेबरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए एकदम। ठीक है ना, मैं वहां एग्जाम्पल के साथ विद डायग्राम आप लोगों को समझा रखा है ना, तो समझ में आप लोगों को वहां से आएगा। और फिर जाकर के अगर ये लेक्चर आप देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटीरियर पॉइंट, बहुत अच्छी तरह समझेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, देखिए नाम से कुछ चीजें आपको थोड़ा सा जो है रिलेट करनी पड़ेगी। इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर के। उसके बाद एक आ रहा है एक्सटीरियर, मतलब बाहर के। बाउंड्री का मतलब क्या है भाई, कोई एक बाउंड्री है उसके ऊपर का जो पॉइंट हो, बाउंड्री पॉइंट हुआ। ये तो हमने जो है थोड़ा सा आइडिया लगाया कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, लेकिन जब हम मैथमेटिकली बात करेंगे तो कैसे हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट, लेट एस बिलोंग्स टू, एस इज सबसेट एन इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, मतलब क्या है कि एस एक हमारा सेट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से है। ठीक है ना, देन अ पॉइंट जेड नॉट बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ जेड विच लाइज एंटायरली इनसाइड ऑफ द सेट। देखिए डेफिनेशन ठीक है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको चीजें जो है क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहां पर एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए डेफिनेशन में यह कह रहा है कि इंटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है अगर हम Z में से एक S सबसेट ले ले, ठीक है ना, S सबसेट ले ले, और जो एक Z नॉट पॉइंट है वो हमारा जो है किस में बिलोंग करे, S में बिलोंग करे। तो इस Z नॉट पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब इसका जो नेबरहुड है ना, एटलीस्ट एक नेबरहुड तो जो है इस पूरे S सेट में के अंदर ही हो। ठीक है ना, इस S सेट के अंदर ही हो। तो यहां पर कह रहा है कि जो है जो Z नॉट का जो नेबरहुड है ना, कितना R डिस्टेंस पर, मतलब R रेडियस कह सकते हैं हम, क्योंकि आपके साथ मैंने कल डिस्कशन किया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर बात करते हैं तो वहां पर हम जो है डिस्क लेते हैं, ध्यान रखना। तो डिस्क का कोई ना कोई रेडियस जरूर होगा, और जो नेबरहुड होगा वो रेडियस पर डिपेंड करता है, ये मैंने कल आप लोगों को नेबरहुड वाले में बताया था। तो नेबरहुड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक पॉइंट पर नेबरहुड को समझनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप ऐसे डेफिनेशंस को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए जो है एन हमारे पास क्या है, एन एक सेट है, ठीक है ना, एक नेबरहुड है। कहने का मतलब किसका नेबरहुड, जेड नॉट का नेबरहुड है एन, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, जो किसमें बिलोंग करना, सबसेट हो, किसका सबसेट होना चाहिए, मतलब एस का सबसेट होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एक एस वन एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, जेड सच दैट जो जेड है वो यूनिट रेडियस से जो कि वन से कम है, वन से छोटा है। तो देखिए एक केस, दो केस है यहाँ पे, एक तो हमारा एस वन केस है, एक एस टू केस है। तो एस वन केस में अगर मैं बात करूं तो मॉडुलस जेड जो है लेस देन वन है, मतलब क्या है कि जो जो हमारा बाउंड्री पॉइंट्स है वो हमारा इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है, बाउंड्री पॉइंट्स जो है हमारा इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डॉट डॉट सा दिख रहा होगा। दो केस लिए है, एक तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो कि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है, एक डॉट डॉट मैंने यहाँ ले रखा है जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स हमारे क्या है, इंक्लूड नहीं है, क्लियर है। तो यहां पर हम बात करते हैं, देखिए मतलब एक हमें Z नॉट है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट का एक नेबरहुड ले लेते हैं। अब देखो इस पॉइंट का जो जितना भी हमने नेबरहुड लिया है ये
ये आर नेवरहुड है, ये ध्यान रखना, ये जो हम आर यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं यही आर जो है ये है, ठीक है ना, ये हमने डिस्क बना लिया। और ये टोटल जो नेवरहुड है, नेवरहुड आपको पता होगा कि एक सेट होता है, कहने का मतलब हम यहां पर कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जो नेवरहुड है वो टोटली हमारा किसका होना चाहिए, एस का होना चाहिए। एस कौन सा है, ये हमारा बड़ा वाला जो डिस्क दिख रहा है ये हमारा एस है, और ये हमारा जो है क्या है, नेवरहुड है, यानी कि जेड नॉट है। ऐसे ही और भी हो सकता है, जेड वन हो सकता है, मान के चलिए जेड वन एक नेवरहुड है, ये भी हमारा एस में। ये कह रहा था डेफिनेशन कि एटलीस्ट एक नेवरहुड तो एंटायरली एस के इनसाइड में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, लाई करना चाहिए। तो एटलीस्ट वन कहा है, आप बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं इस डिस्क के अंदर, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स का हर एक पॉइंट का आप अगर नेवरहुड बनाते हैं तो वो टोटली कहां बिलोंग करेगा, कहां पर, वो जो है इस एस सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स है वो इंटीरियर पॉइंट्स है, क्लियर है, इसके जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो केस वन है हमारा, फर्स्ट केस है जिसमें हर एक पॉइंट जो है हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा, है ना। तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं उसको, क्योंकि साथ में नोट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एवरी पॉइंट ऑफ सेट एस वन, यहां पर आप लिख सकते हो, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑफ एस वन इज इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट मतलब ऐसा एक पॉइंट लेंगे जिसके आसपास में एक नेवरहुड बनाएंगे, ठीक है ना, इसके चारों तरफ से एक नेवरहुड लेंगे, और वो नेवरहुड जो है टोटली एस में बिलोंग करना चाहिए, मतलब एस के अंदर ही हो, एस से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो जो है इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। चलिए सेकेंड केस पर डिस्कशन करते हैं, और जो सेकेंड केस है वो है जेड लेस देन इक्वल टू वन। मतलब क्या है, अब यहां बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है, यहां बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड तो नहीं था, लेकिन यहां पर बाउंड्री पॉइंट हमारा क्या है, इंक्लूड है, ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री पॉइंट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब आप समझिए, दूसरा केस पर मैं अंदर तो कोई भी एक पॉइंट ले लूं, वो टोटली एस के अंदर आ रहा है, क्लियर है, तो अंदर के तो सारे पॉइंट के लिए इंटीरियर है, ये इंटीरियर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक बाउंड्री पॉइंट की बात करूं और इस बाउंड्री पॉइंट पर एक नेवरहुड बनाऊं, तो कुछ पॉइंट तो देखिए हमारे बाउंड्री से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि भैया आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट जो है टोटली उसका नेवरहुड जो है इस एस सेट के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वो इंटीरियर नहीं है। तो अगर मैं बाउंड्री से कोई पॉइंट ले रहा हूं, तो इसको अगर मैं नेवरहुड बना रहा हूं, चाहे मैं कितना भी बड़ा नेवरहुड ले लूं, थोड़ा बहुत तो देखिए बाहर जा रहा है और थोड़ा बहुत अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, टोटल हमारा जो है इस एस के अंदर होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इंटीरियर नहीं है, ठीक है ना, नॉट इंटीरियर, ठीक है ना, डज नॉट हैव इंटीरियर पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं आप, डज नॉट हैव, यहां पे इसको मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है ना, इंटीरियर, ठीक है। बाउंड्री से अगर अंदर की मैं बात करूं तो ठीक है, लेकिन बाउंड्री से अगर मैं बाहर जाता हूं तो फिर दिक्कत है, मतलब वो इंटीरियर पॉइंट हमारा नहीं हो सकता है। होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मैंने अभी यहां पर आप लोगों को क्या बताया है, ठीक है ना। चलिए अभी यहां से ये रफ कर लेते हैं जितना भी मैंने यहां पर किया है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रहा है वो है एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर मतलब एस के अंदर है, अब बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, लेट एस बिलोंग्स, एस इज सबसेट एंड इक्वल सी, मतलब एस इज सबसेट ऑफ सी, मतलब सी के कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक सबसेट है एस, देन अ पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेवरहुड ऑफ जेड नॉट विच लाइज एंटायरली आउटसाइड ऑफ द सेट। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ना
एंटायरली इनसाइड में लाई कर रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट, और इसमें एंटायरली आउटसाइड में पर्टिकुलर पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर जो है मैं इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं तो क्या आ रहा है मैथमेटिकली, कि हमें ऐसा पॉइंट को हम इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट कह सकते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड और उस जो पॉइंट पर हम ले रहे हैं उसका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कोई चीज कॉमन नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि मैं अगर ये एक सेट है, मान के चलिए केस फर्स्ट पर मैं डिस्कशन करता हूं, यहां पर एक सेट हमारे पास है और इस सेट के बाहर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं और बाहर के इस पॉइंट पर जो है मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि ये जो बाहर वाला जो पॉइंट है, बाहर वाला जो पॉइंट है इसके नेबरहुड और इस एस सेट, ये जो सेट है ना वो एस है, ये ध्यान रखना है। टोटल जो हमारे पास है डिस्क दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे एस के है, समझ में आया, या फिर एस वन के हम कह सकते हैं क्योंकि हमने एस वन लिया था, इसके लिए हमने एस टू लिया था, ये एस टू सेट है, ठीक है। तो देखो इस नेबरहुड के अंदर भी तो इस पॉइंट के अलावा भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे बाहर, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा और ये जो पॉइंट है इस एस के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पॉइंट जो है इंटरसेक्शन उसका जो है नहीं आना चाहिए, मतलब फाई आना चाहिए, ठीक है ना, नल होना चाहिए। तो अब देख सकते हो यहां पे, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, लेकिन क्या इसमें कोई भी हमारा पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि हमें एक्सटीरियर मिल जाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि भैया इसमें सारे के सारे जो पॉइंट है वो तो यहाँ के आ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे एक्सटीरियर पॉइंट, देख सकते हो आप कि देखो मैं अगर टोटल में से टोटल जो हमारे पास है, टोटल हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में से अगर मैं इस एस को हटा दूं, तो देखो इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर वाले जो इतने भी पॉइंट्स हैं ना, बाहर वाले जितने भी पॉइंट हमारे ये इसके बाहर के, तो वो सारे के सारे जो पॉइंट हमारे हैं वो हमारे एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है ना, एस के, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए तो जाकर के वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल में तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट हमारे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, आउटसाइडर वाले जो पॉइंट है, मतलब इस टोटल जितने भी ये हमारे सी है, आप कह सकते हो कि ये सी है और ये जितने भी आपको ये आउटसाइड से दिख रहा है ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये सी है। अब इस सी में से सी जो है इस, ये जो एस वन है ये जो है इस सी का आप समझ लीजिए कि एक सबसेट है, ठीक है, सी का क्या है, एक सबसेट है, यही है डिस्क है जो कि इस पूरे का जो है क्या है, एक सबसेट है। तो एक पॉइंट हम जेड वन को ले रहे हैं, ये टोटली हमारा जो है कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, है ना, कहने का मतलब इसका और इसका जो है इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, मतलब इसके और इसके कोई भी पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो जाकर के हम उसको एक्सटीरियर पॉइंट कह सकते हैं। तो होप कि समझ में आया है, ये एग्जांपल भी सेम ही है तो यहाँ मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने इसके लिए लिया है, वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, देखिए वन माइनस वन आयोटा और माइनस का आयोटा है, तो आप देख सकते हो क्या है, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेट की बात करूं तो यहां पर मैं वन वन ले रहा हूं और वन के आसपास में मैं एक नेबरहुड बना रहा हूं, ठीक है ना, वन के आसपास में क्या बना रहा हूं, नेबरहुड एन बना रहा हूं, और इस नेबरहुड में और इस एस में आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक तो आ रहा है ना, इसमें एक पॉइंट तो है ना, इसके नेबरहुड में अंदर एक पॉइंट तो है ना वन, तो ये वन आ रहा है इसके इंटरसेक्शन में, कहने का मतलब ये पॉइंट तो नहीं हो सकता। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसका नेबरहुड बना दूं, तो इन दोनों में जो नेबरहुड आ रहा है दूसरे केस में, इंटरसेक्शन इन दोनों में देखो क्या आ रहा है, आई इंटरसेक्शन आ रहा है इस सेट में और इस सेट में, एन वाले, ये एन हमारा नेबरहुड वाला है, तो इसमें जो है क्या आ रहा है, बना रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, जबकि हमारे पास फाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं बाहर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ इसके और इस वाले सेट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ये हमारे मान के चले n है, n जो कि 1 है मान के चले, तो जो है
N1 में इंटरसेक्शन S में जो है क्या आ रहा है हमारे पास, फाई आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा एक्सटेरियर पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा था यहाँ जैसे एक्सटेरियर होता वैसे यहाँ पर भी एक्सटेरियर पॉइंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये टोटल हमारा जो है, ये टोटल हमारा क्या है, सी है, ठीक है। ऐसे तो इनफाइनाइट टर्म्स हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएगा एक्सटेरियर वाले, ठीक है। तो इस सी, टोटल सी में से अगर मैं इस एस पर्टिकुलर को माइनस कर दूं तो जो भी हमारे पास आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेरियर पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट। देखिए नाम से पता लग रहा है बाउंड्री का मतलब क्या है भैया, कोई भी पॉइंट जो कि बाउंड्री पर हो, है ना, उस पर्टिकुलर डिस्क के बाउंड्री पर हो। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बाउंड्री के लिए, इसी एग्जाम्पल में ही समझेंगे हम, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, लेट एस सबसेट ऑफ सी देन अ पॉइंट जेड नॉट इज सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ एस बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेबरहुड आर नॉट इन द सेट एस। मतलब देखिए हम अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, पहले एस वन केस की, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने वही लिया है, इस केस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां अंदर का मैं अगर पॉइंट ले रहा हूं यहां और इसका नेबरहुड मैं बना रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि जो टोटल है वो हमारा जो है इसका जो नेबरहुड है वो इस एस में ही आ जा रहा है, तो ये तो इंटीरियर पॉइंट हो गया। अगर मैं एक यहां वाला पॉइंट लेता हूं और इसका नेबरहुड बनाता हूं तो ये टोटल जो हमारे पास है वो एस से बाहर है टोटली, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट इस पर्टिकुलर डिस्क में है, पर्टिकुलर डिस्क में है कि जो है इसका कुछ पॉइंट तो बाहर आ जाए लेकिन कुछ पॉइंट अंदर आ जाए। तो देखिए बाउंड्री पर ही एक कुछ ये पॉइंट में अगर लेता हूं और इसका नेबरहुड बनाता हूं तो देखिए कुछ पॉइंट तो इसके बाहर जा रहे हैं और कुछ पॉइंट जो है क्या आ रहे, अंदर आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ केस क्या है कि एक से छोटा है, तो कहने का मतलब ये केस भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ कुछ पॉइंट तो आएंगे ना हमारे, एक से छोटे वाले कुछ पॉइंट तो आएंगे, ठीक है ना। तो ये केस हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं बाउंड्री पॉइंट। उसके बाद जो है दूसरा केस हमने लिया है जेड लेस देन इक्वल टू वन, मतलब यहाँ एक पॉइंट हम ले सकते हैं जो कि हमारा क्या है, कुछ तो हमारे बाहर आ रहे हो कुछ हमारे अंदर आ रहे हो, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। समझ में वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जेड नॉट इज सेड टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, मतलब ये अगर एक पॉइंट लिया हमने जेड नॉट, ठीक है ना, जेड नॉट एक पॉइंट लिया है और उसका हर एक नेबरहुड, ठीक है ना, हर एक नेबरहुड जो है एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन एलिमेंट ऑफ एस, एस के एलिमेंट तो कंटेन कर ही रहा है, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेबरहुड आर नॉट इन द सेट एस, मतलब सारे के सारे जो इस नेबरहुड का सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जाकर के उस पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट कह सकते हैं। देखिए दो केस है, अगर मैं यहाँ वाला पॉइंट ले रहा हूँ तो ये तो हमारा एकदम ही बाहर आ जा रहा है तो ये एक्सटेरियर पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ सेट के अंदर और इसका नेबरहुड बना रहा हूँ तो वो जो है सेट के अंदर आ रहा है, मतलब इंटीरियर हो जाएगा। लेकिन मैं बाउंड्री पर एक पॉइंट अगर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट को अगर मैं जो है एक नेबरहुड बनाता हूँ इस पॉइंट का आसपास में चारों तरफ से, तो ये जो है कुछ तो इसके अंदर आ रहे हो और कुछ नेबरहुड के कुछ पॉइंट जो है इसके बाहर भी आ रहे हो, तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, बाउंड्री पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक नोट है यहाँ पर, बाउंड्री पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। तो जैसा कि केस फर्स्ट में हमने लिया है, इसमें देखो बाउंड्री पॉइंट इस सेट के अंदर तो है ही नहीं, बाउंड्री के जितने भी पॉइंट, लेकिन है तो बाउंड्री पॉइंट ही ना, सेट के अंदर नहीं है लेकिन है तो बाउंड्री पॉइंट। इसमें देखो हमारे पास जो है क्या है, बाउंड्री पॉइंट सेट के अंदर ही है क्योंकि इक्वल भी आ रहा है ना, मॉड जेड जो है क्या रहा है, बराबर भी आ रहा है और दो केस है यहाँ पे, लेस देन भी आ रहा है जो कि पहला है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहा, ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो बाउंड्री पॉइंट है वो हमारे सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक आज जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।